हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जिस तरीके से हमें अपने काम के लिए एनर्जी की नीड होती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी अपने कामों के लिए एनर्जी की नीड होती है। लेकिन आखिर प्लांट्स को ये एनर्जी मिलती कहाँ से? हमने अपने लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि सेल्स एसिमिलेटेड फूड को ऑक्सीडाइज करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे एनर्जी रिलीज होती है और हमें अपने कामों के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन, लेकिन प्लांट्स में तो हमने केवल फोटोसिंथेसिस सुना है, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन आखिर कैसे होता है? प्लांट्स में मेनली तीन पार्ट होते हैं, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करता है, जबकि हम लोग पूरी सिंगल बॉडी, पूरी फुल बॉडी में एक सिंगल यूनिट रेस्पिरेशन होता है। तो आखिर प्लांट्स में ये तीनों पार्ट अलग अलग इंडिविजुअली रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। प्लांट्स में रूट्स सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहती हैं। रूट्स में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें रूट हेयर कहते हैं, और ये रूट हेयर ही सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर होती है और एयर में ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन इस रूट हेयर से डिफ्यूजन मेथड से सारी सेल्स में पहुंचती है और रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि डिफ्यूजन मेथड से इन्हीं रूट हेयर से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वापस चली जाती हैं। तो इस तरीके से रूट्स रेस्पिरेशन करते हैं। आपने देखा होगा जो लैंड प्लांट्स हैं, अगर उनमें पानी ज़्यादा डाल दें तो वो प्लांट्स डेड हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ, आपके यहाँ जितने भी बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा पानी मत डालो, नहीं तो पेड़ डेड हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से सारी एयर चली जाती है, और जब एयर चली जाती है तो प्लांट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी की नीड तो होती ही है और उस एनर्जी को वो किसी भी तरीके से लेंगे। तो उस एनर्जी के लिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एथिल एल्कोहल भी बनता है, और उस एथिल एल्कोहल के कारण प्लांट्स डेड हो जाते हैं। तो समझ आया आपको कि क्यों पेड़ों में ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर स्टेम में कैसे रेस्पिरेशन होता है। स्टेम में रेस्पिरेशन को हम लोग दो तरीकों से देख सकते हैं। एक ऐसे प्लांट्स में जिनके स्टेम ग्रीन होते हैं, जिन्हें हर्बेसियस प्लांट कहते हैं, और एक ऐसे बड़े प्लांट्स जिन्हें ट्रीज कहते हैं, जिनकी स्टेम वुडी और हार्ड होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन। तो पहले हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिनके स्टेम ग्रीन होते हैं। इन ग्रीन स्टेम में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा से ही रेस्पिरेशन की का गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि इन स्टोमेटा से ही डिफ्यूजन मेथड से एयर से ऑक्सीजन सारी सेल्स में पहुंचती है, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो इन्हीं स्टोमेटा से डिफ्यूजन मेथड से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। वुडी ट्रीज में जिनके स्टेम बहुत हार्ड होते हैं, उनमें इन स्टोमेटा की जगह पे लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सेल्स लूजली पैक्ड रहती हैं। तो इन लेंटिकल्स से एयर से ऑक्सीजन डिफ्यूजन मेथड से सारी सेल्स में जाती है, और फिर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं लेंटिकल से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से स्टेम में भी रेस्पिरेशन होता है। लीव्स में भी स्टोमेटा होते हैं, और लीव्स में भी रेस्पिरेशन के टाइम एयर से ऑक्सीजन डिफ्यूजन मेथड से सारे सेल्स तक पहुंचती है, और रेस्पिरेशन में
प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा से डिफ्यूजन मेथड से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स। तो आखिर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक साथ कैसे होता है लीव्स में, तो चलिए देखते हैं। लीव्स में फोटोसिंथेसिस के समय यानी कि डे टाइम में सनलाइट में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्रोड्यूस ऑक्सीजन का कुछ पार्ट प्लांट्स रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और कुछ पार्ट एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम कर लेते हैं। नाइट में प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तब एयर से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए डिफ्यूजन मेथड से लेते हैं और रेस्पिरेशन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा से एक्सचेंज हो जाती है यानी कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। आपको ध्यान होगा कि बचपन में आपके बड़े लोग आपसे कहते थे कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए। उसका एक ही कारण था, क्योंकि आपको अगर बचपन में कहा जाता कि वहाँ पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए तो आप नहीं मानते, इसलिए आपको डराया जाता था कि यहाँ भूत होते हैं। लॉजिक उसके पीछे ये है कि नाइट में रेस्पिरेशन करते हुए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो अगर आप पेड़ों के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी और आप उसको इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे जाने से बचपन में रोका जाता था। फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।